हेलो एवरीवन, तो ये क्वेश्चन आपको क्लास नाइन्थ एलिमेंट्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 13 भी मिल जाएगा और एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पलर में 8.4 में है। फर्क क्या है, एग्जाम्पलर में डायग्राम नहीं दिया हुआ और एलिमेंट्स में डायग्राम ये वाला दिया हुआ है। और थोड़ा सा फर्क यह है कि आपको एलिमेंट्स में BC6 दिया हुआ है और एग्जाम्पलर में AD6 दिया हुआ है। तो चाहे AD दे दे चाहे BC दे दे, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, इस पैरेललोग्राम में एंगल A का बाइसेक्टर दिया हुआ है जो DC से पास कर रहा है, E पे कट करता हुआ और उसको प्रोड्यूस करके F तक मिलाया गया और BC को भी F तक प्रोड्यूस करके हमारा जो A का बाइसेक्टर है वो F पे मीट कर रहा है BC प्रोड्यूस के साथ। ठीक है जी, और वो DC को E पे भी कट करता हुआ जा रहा है। तो हमें CF की लेंथ बतानी है, बहुत इजी है। देखिए, आप ये बताइए, गिवन तो आप लिख लेंगे ना, जो गिवन तो वही लिखना होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ CF। हम सॉल्यूशन ही कर रहे हैं डायरेक्ट, बाकी आप ज्योमेट्री के हर एक क्वेश्चन में गिवन, टू फाइंड आउट या टू प्रूव लिख के आएंगे। अब मुझे ये बताइए, AD पैरेलल टू BC क्यों है? बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम, ये तो लिख के आओगे या रीजन वगैरह। अगर AD BC के पैरेलल है, देन AD विल बी पैरेलल टू BC प्रोड्यूस। AD विल बी पैरेलल टू BC प्रोड्यूस्ड। जो AD होगा वो BC प्रोड्यूस के भी पैरेलल होगा, मींस AD पैरेलल टू BF। AD BF के भी पैरेलल होगा, है ना? अब देखिए, अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लॉजिक पता है तो आपको Z देखना आता है। अगर मैं ध्यान से इस फिगर में Z देखूं, ये देखो D से A तक चला, फिर ये ट्रांसवर्सल आपको दिखी AF, फिर F से B तक दिख गया Z आपको। Z दिखते ही ये एंगल 1 और ये एंगल 3 इक्वल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, why? बताओ, रीजन बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1-3 के इक्वल हुआ, क्यों हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 1 इज इक्वल टू 2 तो दिया ही हुआ है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन ना, बिकॉज दिस लाइन AF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये कह सकते हैं कि भाई 1 तो 3 के इक्वल है एंगल 1, एंगल 1 2 के भी इक्वल है, तो दोनों कंडीशन से आप ये कह सकते हैं कि एंगल 2 और 3 इक्वल हो गए। अगर एंगल 2 और 3 इक्वल हो गए, देखिए मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये 2 दिख गया, ये 3 दिख गया। अब ट्रायंगल BAF देखो, यहां कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन बचा हुआ, इन ट्रायंगल BAF अगर आप BAF ट्रायंगल देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये प्रॉपर्टी पड़ी है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो 3 के अपोजिट साइड कौन सी है? AB। और 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, जल्दी बोलो? BF। ये आपस में इक्वल होंगे, AB तो हमें 10 दिया हुआ है, तो BF भी 10 हो गया। हां जी, जल्दी बताइए। अब BF को मैं ब्रेक करके BC प्लस CF लिख सकता हूं, और BC मुझे 6 पता है, तो CF कितना आ गया? 10 माइनस 6 4 आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये बड़ा आसान तरीका किया हमने, बाकी कई बुक्स में ऐसा क्वेश्चन दे तो रखा है लेकिन लंबे तरीके से दे रखा है। ठीक है जी, आपको ये काफी सारी बुक्स में मिल भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच।